हेलो स्टूडेंट्स वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू कैसे हो आप लोग बच्चों तो हाँ हम लोग रोज़ मिलते हैं आज अगेन फिल्म मिले हैं हम लोग अन अकेडमी पर जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है उसके चैनल लेट्स क्रैक नीट यू जी पर आप लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हो हु। मैं हूँ आपकी एजुकेटर डॉक्टर मीतू भावनानी पिछले सात सालों से ज़्यादा मैं नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ और अब आपको अन अकेडमी पर पढ़ा रही हूं इज इट क्लियर स्टूडेंट्स चलो शाद कुणाल नितेश आशीष सौम्या मनीष श्रेष्ठ शिवानी मनीष कुमाल सोलंकी ओके पिंकल स्टूडेंट्स एक चीज और कि एक वीडियो देने वाली हूं कल स्ट्रेटेजी पर फाइनल स्ट्रैटेजी फॉर 2020। अब फाइनल आपके लिए 2020 के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए किस तरीके से हमें पढ़ना है मैंने आपके लिए अब फाइनल स्ट्रेटेजी क्या सोची है उसका वीडियो मैं कल आपको दे दूँगी इज इट क्लियर कल मैं टाइम बता दूंगी टेलीग्राम पे या तो रात में दस बजे दे दूँगी ये सेशन फ्री होने के बाद या फिर कोई शाम का टाइम ले लेंगे पाँच बजे का या छः बजे का फाइनल स्ट्रैटेजी फॉर नीट 2020 कौन सी क्लासेस कहां चलेंगी कितने क्वेश्चन होंगे क्या फाइनल स्ट्रेटेजी है ट्वेंटी ट्वेंटी की और ट्वेंटी 2020 की स्ट्रेटेजी देने के बाद में 2021 वालों के लिए भी स्ट्रेटेजी दे दूंगी ठीक है मेरे लिए सारे बच्चे बिल्कुल बराबर हो ठीक है हाँ आज जो ये हम लोग देखो हम लोग क्या देख रहे हैं देखो मेरे साथ जुड़ने के लिए मैं आपको अभी भी कह रही हूं अगर आपको ईयर लॉन्ग तैयारी करनी है मेरे साथ सबसे बेस्ट टाइम है इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मत जाने दो अन अकेडमी दे रहा है आपको बेस्ट घर पे बैठे हुए अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लो स्टूडेंट्स फोन में और नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन ले लो पूरा भरोसा रखकर मेरे पर एक साल का या फिर दो साल का एम बी वन जीरो वन कोड अप्लाई करोगे आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है प्रीति नो बेटा आई हैव नॉट डन दिस तो एक तो हाँ विष्णु मैं जो कल स्ट्रेटेजी वाला वीडियो दूंगी वो 2020 के लिए है उसमें टाइम टेबल भी आ जाएगा ठीक है मेरा क्या है मैं आप लोगों को बता दूंगी और 2021 वालों के लिए फिर एक दिन छोड़ के दे दूंगी मतलब कल क्या है आज है मंडे तो कल है ट्यूसडे ट्यूसडे को कल स्ट्रैटेजी फॉर 2020 और फिर थर्सडे को ट्वेंटी वन के लिए स्ट्रेटेजी तो स्ट्रेटेजी से क्या है आपको पता चल जाएगा कि अब जो दिन बचे हैं उसमें फाइनली क्या स्मार्ट पढ़ाई करनी चाहिए कि हमें कम टाइम में जल्दी स्कोर हो जाए वो सारा कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे बिल्कुल एक छोटा सा मैं सेशन दे दूंगी या तो रात में दस बजे दे दूँगी कल या कोई भी इवनिंग का टाइम चुन लेंगे पाँच छः सात ये इस क्लास को होने से पहले या इस क्लास के होने के बाद ठीक है हाँ 2020 के लिए भी टाइम टेबल दूंगी और आगे जो ईयर वाले बच्चे हैं 2021 2022 उनके लिए सेपरेट सेशंस का वीडियो दूंगी ठीक है तो ये बात हो गई स्टूडेंट्स तो हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे थे आज देखो हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन को स्टार्ट किया था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस को मैंने खत्म कर लिया था ये हमारा ईयर लॉन्ग बैच कोर्स है तो खत्म करने के बाद आज मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इस चैप्टर को खत्म कर दूं क्योंकि लिखने की कोई जरूरत नहीं है ये एज इट इज फॉर्म में है इसको करने के बाद मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगी हाँ तो जब आज ये चैप्टर हो जाएगा तो कल हम इसके एमसीक्यूज़ ले लेंगे अगर नहीं हुआ तो कल आकर इसको कंप्लीट करके परसों फिर मेंटी क्विज के थ्रू एमसीक्यूज़ ले लेंगे क्योंकि वो मेंटी की प्रॉब्लम क्या है सॉल्व हो गई है लेकिन एक पूरी यूनिट का मेंटी खेलना फिर उससे क्या होगा जैसे थर्टी थर्टी क्वेश्चन के तीन मेंटी खेलेंगे लगातार इकोलॉजी का मेंटी भी नहीं किया है तो वो भी ले लेंगे तो इसलिए कल एक तो स्ट्रेटेजी का वीडियो दूंगी ट्वेंटी के लिए और दो दिन बाद स्ट्रैटेजी फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी ट्वेंटी टू वालों के लिए भी दूंगी दोनों के लिए दूंगी ठीक है ना एक दिन एक छोड़कर उसमें स्ट्रैटेजी टाइम टेबल कैसे पढ़े मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी मैं आपके लिए क्या प्लान कर रही हूं वो सब कुछ आ जाएगा ठीक है इज इट क्लियर हाँ आज पूरी कोशिश करते हैं कि ये चैप्टर क्या हो जाए स्टूडेंट्स ओवर करके जाए चलो क्या क्या देख लिया था चलो एक बार जो देख लिया था उसको फटाफट देख लेते हैं हुँ? ये सारा देख लिया था हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन देख लिए थे हम्म एंड एग्रीकल्चर का देख लिया था हम लोग मेडिसिन को देख रहे थे स्टूडेंट्स किसको देख रहे थे बीटी कॉटन हो गया था बेसिलस थेजेनिस पूरा बता दिया था टॉक्सिन निकालता है इंसेक्ट को मारता है नीमेटोड नाउ एप्लीकेशन इन मेडिसिन को देख रहे थे ये भी देख लिया था यस yes. यहां से हम लोगों को देखना था जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन देखो आप लोगों को पता है कि इंसुलिन क्या होती है इंसुलिन कंसेट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स, देखो यह इंसुलिन की दो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन इसमें देखो ग्लाइसिन आइसोल्यूसिन वैलीन ग्लूटामिन सिस्टीन ये सारे अमीनो एसिड दे रखे हमें बहुत अच्छे से पता है कि प्रोटीन क्या होता है स्टूडेंट्स व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटीन प्रोटीन का मतलब होता है लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स एक हिटरोपोलीमर है क्योंकि हम लोग अलग अलग अमीनो एसिड को यूज कर रहे हैं हमने ये नहीं कहा कि ग्लाइसिन 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 आइसोल्यूसिन एस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड मैंने जो सुबह मॉलिक्यूल्स पढ़ाए थे उस पर मैंने आपको प्रोटीन की ट्रिक बताई थी आज तो बॉली मॉलिक्यूल्स खत्म भी हो गए हैं और एक कल स्ट्रैटेजी में ये भी बताऊंगी अब हम लोग जो क्वेश्चन की सीरीज है वो स्पेशल क्लासेस पे स्टार्ट करेंगे ठीक है तो कल मैं फाइनल आपको नी 2020 के लिए स्ट्रैटेजी दे दूंगी और दो दिन बाद नी 2021 वालों के लिए स्ट्रैटेजी दे दूंगी या तो रात में दस बजे दूंगी या कोई भी इवनिंग का टाइम चुनकर दे दूंगी टेलीग्राम पे मैं आप लोगों को सेशन डाल दूंगी ठीक है चलो इस पे आ जाते हैं देखो हम लोग क्या कह रहे हैं कि इंसुलिन एक पॉलीपेप्टाइड है मैं आपको बार बार समझाती हूँ स्टूडेंट पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में क्या फर्क होता है पॉलीपेप्टाइड मतलब शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड सौ चेन ले ली सो अमीनो एसिड ले लिए और प्रोटीन का मतलब है बहुत बहुत लंबी चेन है अमीनो एसिड्स की गजब की लंबी चेन है तो इंसुलिन एक हॉर्मोन है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पैंक्रियाज बना रहा है पैंक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट बना रहा है आइजलेट ऑफ लेंगर हैंड्स बना रहे हैं ठीक है दो चेन का बना हुआ है एक पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाएगी ए चेन दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाएगी बी चेन बहुत इजी चैप्टर है एज इट इज इस इसको देख लो ये दोनों चेने किससे जुड़ी हुई हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड से किससे जुड़ी हुई हैं? देखो यहां पर बनाऊं मैं तो डाई सल्फाइड बॉन्ड दो सल्फर जुड़कर एक बॉन्ड बना रहे हैं और दोनों चेन्स को क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं ठीक है प्रो हॉर्मोन मैमल्स के अंदर शुरुआत में जो इंसुलिन हॉर्मोन बनता है जो मेरे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है वो इनिशियली इनएक्टिव फॉर्म में बनता है जैसे स्टमक में पेप्सिन pepsin, पेप्सिनोजन के फॉर्म में रहता है तो, ट्रिप्सिन Trypsin, ट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में रहता है प्रोकार्बॉक्सी पेप्टीडेस प्रोकार्बॉक्सी पेप्टीडेस के फॉर्म में रहता है ठीक है तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं नाउ हम लोग कह रहे हैं कि ह्यूमंस के अंदर शुरुआत में जो इंसुलिन है वो थोड़ा इनएक्टिव फॉर्म में बना धीरे धीरे बॉडी डेवलप कर गई और बॉडी क्या हो गई है इंसुलिन क्या हो गया है मैच्योर हो गया है ठीक है इट नीड प्रोसेसिंग बिफोर इट बिकम अ फुल्ली मैच्योर एंड फंक्शनल हॉर्मोन नाउ द प्रो हॉर्मोन कंटेन एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड दी सी पैप्टाइड दिस इज रिमूव ड्यूरिंग मैच्यूरेशन इंटू इंसुलिन कहने का ये मतलब है कि शुरुआत में जब इंसुलिन बनी जब प्रो इंसुलिन थी तो क्या था तीन पॉलीपेप्टाइड चेन ए बी और सी पर जब इंसुलिन मैच्योर हो गई काम करने लग गई तो वो जो सी वाली चेन है वो जो सी वाली चेन है वो क्या है हट गई जब पूरा मैच्योर होता है तो मैच्योर जो इंसुलिन है उसमें सिर्फ दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं ए और बी क्या होते हैं ए और बी ठीक है नाउ अब देखो ये आप मेडिसिन देखो ये बंदा ह्यूमन इंसुलिन को सिरेंज में लोड कर रहा है और देन लगा रहा है ठीक है पेट में लगा सकते हो यहाँ पर हाथों में लगा सकते हो ठीक है इंसुलिन को क्या है खाना खाने से पहले ब्लड में इंजेक्ट कर दो क्योंकि खाने में ग्लूकोज जाएगा ह्यूमन के अंदर इंसुलिन है ही नहीं तो इंसुलिन है ही नहीं तो ग्लूकोज लेवल को कौन मेंटेन करेगा तो आप क्या करो बाहर से इंसुलिन को लो इन 1983, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रही हूं इले लिली एंड अमेरिकन कंपनी प्रिपेयर टू डी एन एक्वेंसेज कॉरस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन ऑफ इंसुलिन दे आर इंट्रोड्यूज इन प्लाज्मेट ऑफ इकोलाय मतलब नाइनटीन एटी थ्री में इली लिली इली लिली एक अमेरिकन कंपनी है उसने एक ऑर्गेनिजम्स में से एक जीन को निकाला दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी एक जीन की चेन निकाली और कहा कि यार एक चेन तो ए चेन की तरह दिख रही है इंसुलिन की और जो दूसरी चेन है वो बी चेन की तरह दिख रही है अब आप क्या करो एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए इसको किसी होस्ट में डाल दो तो क्या है प्लाज्मेड कोलाई के साथ जोड़ दिया जोड़ने के बाद जोड़ने के बाद क्या हुआ ये जो दो, दोनों जेनेटिकली चेन को डिस्कवर किया था जब ये बॉडी में गई तो इन्होंने बिल्कुल इंसुलिन की तरह काम किया ये दोनों चेन्स डाई सल्फाइड बॉन्ड के साथ जुड़ गई तो ये प्रूफ हो गया ये प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स कि इंसुलिन को आप किसी की बॉडी में से भी निकाल कर उसको जेनेटिकली प्रिपेयर कर सकते हो ये हमारे लिए ये हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि अगर हम डायबिटीज़ का बेहतर से बेहतर इलाज ढूंढ पाएँ इंसुलिन को यूज करके तो हम कर सकते हैं हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स कर सकते हैं ठीक है अब देखो जीन थेरेपी जीन थेरेपी का मतलब क्या होता है देखो थेरेपी का मतलब होता है किसी भी चीज की ट्रीटमेंट देना आप लोगों ने सुना होगा इम्यूनोथेरेपी रेडियोथेरेपी फिजियोथेरेपी जैसे किसी की मसल्स में पेन होता है स्टिफनेस होती है या आफ्टर फ्रैक्चर ऑर्थोपेडिशन सर्जन्स कहते हैं कि जाइए फिजियो के पास जाइए फिजियोथेरेपी लीजिए वो स्ट्रेचिंग कराते हैं आपके पैरों की हाथों की ठीक है तो उनको ये पता है कि हड्डी के टूटने के बाद जब हड्डी जुड़ रही है तो उसमें स्टिफनेस है उसमें मोबिलिटी नहीं है वो इलास्टिसिटी नहीं है वो कब आएगी काम करने पे आएगी जब हम दिन भर काम करते हैं हमें एक अलग सी नींद आती है लेकिन जब हम लोग कुछ भी काम नहीं करते हैं बिल्कुल बैठे हुए हैं तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है स्टूडेंट्स लेजी हो जाती है हमारी बॉडी क्या हो जाती है लेजी हो जाती है तो जिस तरीके से आप बॉडी को मॉडिफाई करेंगे बॉडी उस तरीके से चलेगी ठीक है तो यहां पर क्या है कि इट इज अ मैथड टू करेक्ट जीन डिफेक्ट डायग्नोस्ट इन अ चाइल्ड एंड एम्ब्रियो बहुत ही गजब की टेक्नोलॉजी है बहुत ही गजब का डेवलपमेंट है मेडिकल फील्ड में जब आप आगे चल के डॉक्टर बनोगे यू केम इन टू एनालाइज आप भी अच्छा कर सकते हो जितना चाहे अब देखो क्या होता है जैसे एम्ब्रियो बना स्पर्म आया उसने अपने 23 क्रोमोसोम क्रोमोजोम दिए ओवा आया उसने अपने 23 क्रोमोसोम क्रोमोजोम दिए जाइगॉट और एम्ब्रियो के पास 46 सिक्स अब कोई भी एक क्रोमोसोम में जीन डिफेक्ट हो गया मतलब ये जो जीन है ये यहां से डिफेक्टिव गया है कुछ कट पिट के गया है तो जो चाइल्ड के अंदर ये जीन होगा ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा जैसे मान लो आई का जीन है आई को कोड कर रहा है तो आई छोटी हो गई कलर चेंज हो गया है या विजन नहीं है बच्चा देख नहीं पा रहा है बहुत ही जल्दी उसको चश्मा लग गया है ठीक है तो जीन थेरेपी में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब माँ के यूटेस में एम्ब्रियो बन रहा है वहां से देख सकते हैं कि कोई जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है ठीक कर सकते हैं जिससे कि हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ियां रहे इंडिया की जेनरेशन रहे उनमें कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं हो कोई भी कंजेनाइटल डिसऑर्डर नहीं हो कोई भी जेनेटिक डिफेक्ट नहीं हो हर बच्चा हेल्दी पैदा हो हर बच्चा क्या हो स्टूडेंट्स हेल्दी पैदा हो इज इट क्लियर नाउ आर इंसर्टेड इन टू पर्सन सेल्स एंड टिश्यूज टू ट्रीट डिजीज इट कॉम्पनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन इसमें क्या है आप किसी पर्टिकुलर दूसरे आदमी का जीन उठाइए एक्सपेरिमेंट करिए देखिए कि सही है कि नहीं या जो डिफेक्टिव जीन है उसे बाहर निकालिए या उसे अंदर ही ट्रीट करिए ठीक है चीके? ये देखो ये जीन थेरेपी में इस बंदे का हाथ देखो यह एक टूल लेके खड़ा है और डीएनए के नाइट्रोजेनस बेसिस के साथ डील कर रहा है जीन थेरेपी अब देखो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी ध्यान से देखना इस पे क्वेश्चन आता है फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी क्लिनिक मतलब लेबोरेटरी में वॉज गिवन टू अ फोर ईयर ओल्ड गर्ल विथ एडीनोसिन डी एमिनेस डेफिशियंसी ए डी ए डेफिशियंसी एडीनियोसिन का क्या मतलब होता है एडिनोसिन का मतलब होता है कि कोई न्यूक्लियोसाइड बनाओ अब प्रॉब्लम क्या हो रही है उस बच्ची में कि उसके डी एन ए में एडीनाइन बन ही नहीं पा रहा है उस बच्ची के में क्या हो रहा है एडीनाइन बन ही नहीं पा रहा है बना ही नहीं पा रहा है एडीनाइन तो क्या करेंगे देखो ट्रीटमेंट बाय बोन मैरो आपने मैरोल्स में सुना होगा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन पापा से मैच करो भाई से मैच करो मम्मी से मैच करो क्यों बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की बात कर रहे हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वहां से ब्लड बन रहा है वहां पर प्रॉपर आपकी बॉडी की हर एक चीज डिसाइड हो रही है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी इंजेक्शन ऑफ फंक्शनल डीएनए आर नॉट करंटली क्यूरेटिव देखो आज की तारीख में अगर किसी की बॉडी में भी कोई नाइट्रोजेनस बेस की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ले दे के उसकी जो ट्रीटमेंट है वो उतनी आसान नहीं है जो ट्रीटमेंट है वो उतना आसान नहीं है कि हमने सोचा और उसका ट्रीटमेंट हो गया ऐसा नहीं है ऐसा नहीं, है, ऐसा नहीं हो सकता ठीक है धीरे धीरे इनके बारे में रिसर्च चल रही है तो अभी अगर नाइट्रोजनस बेस की डेफिशिएंसी हो जाए जेनेटिक डिफेक्ट हो जाए तो या तो बोन मैरो थेरेपी करो या फिर इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करो जो इंजाइम उसको कोड कर रहा है जो जीन उसको कोड कर रहा है उसको चेंज करो पर ये चीजें इतनी आसान नहीं है ये सोचने सुनने देखने में आसान लगती हैं पर इन चीज़ों को करने के लिए बहुत टाइम बहुत पेशेंस और बहुत ये कॉन्ट्रीब्यूशन लगता है नाउ जीन थेरेपी देखो जीन थेरेपी में क्या होता है लिम्फोसाइड फ्रॉम द पेशेंट ब्लड आज ग्रोन इन अ कल्चर जैसे किसी बच्चे को एडी एडीनाइन नाइट्रोजनस बेस की डेफिशिएंसी है उसके पापा से बोन मैरो लिया बोन मैरो में से देखो बोन मैरो में ब्लड बन रहा है डब्ल्यू बी सी भी है आरबीसी भी है प्लेटलेट भी है तो लड़ने वाला कौन है लिम्फोसाइट डब्ल्यू बी सी उसको निकालते हैं और लेबोरेटरी में उसको देखते हैं समझते हैं उसका कल्चर करते हैं फंक्शनल एडीए इज इंट्रोड्यूज इन टू दीज लिम्फोसाइट्स जो एडिनोसिन काम कर रहा है उसको इस लिंफोसाइट के साथ जोड़ देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं दोनों को मिक्स कर लेते हैं और पेशेंट की बॉडी में डाल देते हैं कौन से पेशेंट की बॉडी में जिसमें जो एडिनोसिन जो है वो काम नहीं कर रहा है उसकी डेफिशिएंसी हो गई है दिस शुड बी रिपीटेड एट सेल्स आर नॉट बार 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 बोन मैरो में से लिम्फोसाइट निकालो फंक्शनल एडिनोसिन निकालो दोनों को मिक्स करो डिफेक्टिव पेशेंट में डाल दो फिर लिम्फोसाइट को निकालो फिर एडिनोसिन को निकालो कल्चर में मिक्स करो फिर से डालो बार बार ये प्रोसीजर्स आपको रिपीट करने पड़ेंगे और जिस बच्चे में ये एडीए डेफिशेंसी उसमें डालना पड़ेगा एडीए जीन इंट्रोड्यूस इन टू से इट कुड बी अ परमानेंट क्योर अगर ये तरीका आपने एम्ब्रियो के टाइम पर कर लिया भाई आपने देखा कि जो बच्चा बन रहा है जो एम्ब्रियो बन रहा है उसमें तो बेचारे में एडिना नाइट्रोजेनस बेस है ही नहीं प्रॉपर जीन ही नहीं है कैरेक्टर कोड ही नहीं होगा बच्चा डिफेक्ट लेके पैदा होएगा, तो ऐसा करो उसको वहीं पर ट्रीट कर दो उसको पैदा होने से पहले ही ट्रीटमेंट दे दो क्योंकि पैदा होने के बाद आप कितने जीन में ढूंढोगे कि कहां कहां नहीं है एडीनाइन और फिर आफ्टर बॉडी जब बच्चा बना है उसमें इम्यूनिटी वैसे ही कम है तो आप क्या कर सकते हो ट्रीट कर सकते हो मान लो बच्चा एम्ब्रियो भी बना ही नहीं है बिल्कुल डिफेक्टिव है उस टाइम पे हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं एक ये रूल है इसको क्या है ये परमिशन लेनी पड़ती है उसके बाद ही ये सब होता है ठीक है नाउ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस सी दिस दिस लेडी इज वियरिंग अ ग्लव बहुत स्टेरिलाइजेशन का ध्यान रखा जा रहा है दिस लेडी इज वियरिंग अ ट uh, आंखों का स्पेक्ट पूरा वो ग्लासेस लगा रखे हैं जिससे कि प्रोटेक्शन हो हर चीज की ठीक है हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग को पढ़ते हैं तो स्टेरिलाइजेशन का ध्यान भी रखा जाता है स्टूडेंट नाउ रिकॉम्बिनेंट डी एन ए टेक्नोलॉजी पी सी आर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इंजाइम लिंग इम्यूनोसॉरबेंट ऐसे एलिसा डायग्नोस्टिक्स टेस्ट फॉर एड्स नाउ आर टेक्निक्स फॉर अर्ली डायग्नोसिस अर्ली डायग्नोसिस मतलब बच्चे के पैदा होने से पहले ही आप डिफेक्ट को पहचान लीजिए प्रेजेंस ऑफ पैथोजन इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली वेन द पैथोजन प्रोड्यूसेज अ सिम्टम। कॉमन सेंस की बात है जब भी मेरी बॉडी में कोई बाहर का एंटीजन आया है पैथोजन आया है जब मेरी बॉडी उससे लड़ेगी चेंजेस को शो करेगी सिम्टम्स को शो करेगी तभी मेरे को पता चलेगा कि मैं बीमार हूं बिना बीमारी के अलावा कोई भी ध्यान नहीं रखता है कोई भी डॉक्टर के पास नहीं जाता है तो हमें बीमारी का कब पता चलता है जब मेरी बॉडी में सिम्टम्स आते हैं ठीक है बाय दिस टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई इन द बॉडी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई इन द बॉडी देखो आज की तारीख में आप कोविड के बारे में दुनिया जहान की न्यूज सुनते हो वो लोग क्या कर रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी को अपना रहे हैं एटलीस्ट इंडिया में ठीक होने की जो चांसेस हैं वो ज्यादा हैं देखो क्या हो रहा है कि कोविड में जब कोविड का वायरस आपकी बॉडी में आता है एंटीजन आता है तभी ही मेरी बॉडी एंटीबॉडी बनाती मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज टॉपिक जल्दी स्टार्ट करूंगी फिर बताऊंगी ट्वेल्थ का ही है एंटीबॉडीज बनाता है तो जिसकी बॉडी भाई एंटीबॉडीज तो सबकी बॉडी में होती हैं लेकिन जब बनती हैं जब वो बोलते ना एक्टिवनेस पर आती हैं तब हमें समझ में आता है कि बॉडी में कोई पैथोजन है ठीक है तो कोविड में वो एंटीबॉडीज को ढूंढते हैं जो लेजेंडरी एक्टर है अमिताभ बच्चन उनको कैसे डिटेक्ट किया कि आप कोविड नाइनटीन से आ, आ, वो आपके अंदर कोविड नाइनटीन है उनकी बॉडी के ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज बन गई थी और एंटीबॉडीज तभी तैयार होंगी जब मेरी बॉडी में कोई बाहर से आएगा वैसे वो पड़ी रहती हैं दे आर परसिस्टेंट बट दे आर नॉट वर्किंग ठीक है हाउ एवर वेरी लो कंसेंट्रेशन ऑफ पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ देर न्यूक्लिक एसिड बाई पी मान लो इनिशियली आपने डॉक्टर को दिखा दिया या इनिशियली प्रेगनेंसी में पता चल गया तो जो भी बच्चे का डिफेक्टिव जीन है उसको क्या कर दो एम्प्लीफाई कर दो एम्प्लीफिकेशन पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में क्या देखा था उसमें यही तो देखा था कि भाई डीएनए की इतनी मल्टीपल कॉपीज बना दो पहले उसको डीनेचुरेट करो हीट से फिर उसके ऊपर क्या करो आप लोग प्राइमर लगाओ फिर प्राइमर के ऊपर आप डीएनए पॉलीमरेज को छोड़ दो वो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को बनाकर उसको इलोंगेट कर देंगी तो मैंने क्या कर दिया होस्ट की बॉडी में जाने से पहले ही डीएनए को इतना मल्टीप्लाई करवा दिया इतना मल्टीप्लाई करवा दिया कि अगर कोई डिफेक्ट आ रहा होगा तो मेरे को उसी ही टाइम पर नजर आ जाएगा गेटिंग माई पॉइंट इज इट क्लियर आ रही है मेरी बात समझ में क्या कह रही हूं मैं अच्छा चैप्टर है इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपको काफी सारी चीजों के बारे में पता चल जाएगा नाउ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस यूजेस ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ठीक है स्टूडेंट्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आप देखो टू डिटेक्ट एच आई वी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट टू डिटेक्ट एच आई वी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट एड्स क्या है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशंसी सिंड्रोम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशंसी वायरस टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन्स इन कैंसर पेशेंट कैंसर पेशेंट का क्या है भाई जैसे ये एक सेल है अब सेल क्या होता है प्रोग्रामड रहता है कि भाई आपको इतना ही डिवाइड करना है और इतना ही मैच्योर रहना है और इतना ही डिफ्रेंशियट करना है लेकिन कैंसर सेल में क्या हो गया है ये सेल इरिटेट हो गया किसी चीज से अब ये भाई डिवाइड करता ही जा रहा है ये रुक ही नहीं रहा है लंप बन रहा है नोड्यूल एक जगह पर है तो बिनाइंग ट्रैवल कर रहा है तो मेलिग्नेट इज इट क्लियर आइडेंटिफाई मैनी अदर जेनेटिक सकते हो एचआई को डिटेक्ट कर सकते हो बहुत सारे जेनेटिक और डिसऑर्डर्स को भी डिटेक्ट कर सकते हो क्रोमोजोम के अंदर डिफेक्ट है क्रोमोजोम का नंबर प्रॉपर नहीं है बहुत सारी चीजें देख सकते हो स्टूडेंट्स आप लोग ठीक है नाउ सिंगल स्ट्रैंडेडीएनएन टैग्ड विधियो एक्टिव मॉलिक्यूल प्रोब भाई जैसे कोई भी सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है इस पर आप लोग मार्क कर दो यहां पर प्रोब को यूज कर लो ठीक है अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन ऑफ सेल फॉलोड बाई यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी यहां पर आपने इसको मार्क कर दिया यहां पर मार्क करते से ही उसके बाद आप लोग क्या करो इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाओ मल्टीपल कॉपीज किसके अंडर में रहेंगी प्रॉपर आप रेडियोग्राफी में उन चीजों को देख रहे हो द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल हैंस नॉट अपियर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म बिकॉज द प्रो वुड नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री विद इन द म्यूटेटेड जीन कहने का सिंपल मतलब क्या है कि अगर आपको किसी भी जीन का डिफेक्ट पहचानना है तो उस जीन को निकालो उस डीएनए आरएनए को निकालो और उसको प्रोब से मार्क कर दो और वहां से क्या करो उसके क्लोन बनाओ उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाओ जैसे जैसे आप क्लोन बनाते जाओगे आपको म्यूटेटेड जीन जो बेकार का जीन है जो बदला हुआ जीन है जो आप नहीं चाहते कि बच्चे में जाए वो क्या होगा आपको नजर आने लगेगा धीरे धीरे और, ओ, जो एक डिवाइस है जो एक टेक्निक है ऑटो तो रेडियोग्राफी आपको क्या करना पड़ेगा उसमें नजर आने लग जाएंगी वो चीजें नाउ अब देखो टेस्ट में क्या हो रहा है एलिजा टेस्ट में क्या हो रहा है एलिजा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखो एंटीबॉडी और जो एंटीजन का रिएक्शन होता है ना वो हाईली स्पेसिफिक ये पूरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को बता रहा है ये अगर एंटीबॉडी है तो ऐसे ही एंटीजन के साथ वो अटैच करेगी ठीक है इस तरीके से एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हाईली स्पेसिफिक होता है इंफेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन जो कि प्रोटीनेशियस नेचर का भी हो सकता है और प्रोटीन के साथ अगर शुगर को ऐड कर दे तो ग्लाइकोप्रोटीनेशियस नेचर का भी हो सकता है और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट पैथोजन एक बात हमेशा याद रख लेना बॉडी के अंदर ब्लड होता है ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं। देखो बॉडी में क्या है ब्लड है ब्लड में क्या है एंटीबॉडीज हैं। ब्लड में क्या है एंटीबॉडीज हैं है? है, भर भर के एंटीबॉडीज है गेम्ड आई जी जी आई जी ए आई जी एम आई जी ई आई जी डी गेम्ड एंटीबॉडीज है तो हमारे पास जो गेम्ड एंटीबॉडीज है वो है तो सही पर उनकी तादाद कब बढ़ती है जब एंटीजन आता है ठीक है नाउ ये देखो आपको चूहे दिख रहे हैं हरे कलर का चूहा ग्रीन माउस ठीक है ब्राउन माउस दुनिया भर का कोई का कलर का भी माउस में पैदा कर सकती हूं क्योंकि मेरे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग का टूल है मेरे पास बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट्स टूल है ठीक है ट्रांसजेनिक एनिमल्स देखो आपको अलग अलग तरीके के देखो ये आपको ग्रीन रैबिट दिख रहा है कितना सुंदर लग रहा है ग्रीन रैबिट आपने कहा है यार इसका तो मेलेनियन पिगमेंटेशन ही चेंज हो गया है देखो दीज आर द एनिमल हैज बीन अल्टर्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ एन एक्स्ट्रा जीन बाय बाइ पूरा का पूरा आपका बायोटेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट है सपोज करो फ्रॉग का कलर हरा होता है तो फ्रॉग के अंदर जो भी जीन उसके बॉडी के हरे कलर को कोड करता है उसको निकालो उसको निकालो उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को रेस्ट्रिक्शन इंजाइम से कट करो वेक्टर डीएनए को चुनो फॉरेन जीन और वेक्टर डीएनए को डीएनए लाइगेज से जोड़ दो और फिर होस्ट में डाल दो तो यहां तो क्या डायरेक्ट लिखा हुआ है लेकिन हम जब किसी फॉरेन जीएनए को उठाते हैं तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि कितने प्रोसीजर्स को हमें फॉलो करना पड़ता है स्टूडेंट्स कितने प्रोसीजर्स को हमें फॉलो करना पड़ता है ठीक है नाउ ट्रांसजेनिक रैट्स जैसे रैट को मैंने एक नया कुछ दे दिया फॉरेन जीन को ऐड करके रैबिट पिग्स शीप काउज एंड फिश फिशेज तो जैसे किसी के घर में अगर एक्वेरियम होगा तो देखना इतनी सुंदर सुंदर फिशेज आजकल ट्रांसजेनिकली प्रोड्यूस की गई हैं हर कलर की हर शेप की 95% of all ऑफ ऑल ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माउस माइस बेचारे चूहो पे गजब के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं तो जितना भी एक्सपेरिमेंट है ट्रांसजेनिकली वो किसको चला जाता है माइस को चला जाता है नाउ बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स ट्रांसजेनिक एनिमल्स का फायदा क्या है क्या फायदा है कि आप उसको एकदम नया बनाना चाहते हो टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट अगर नए सरे से डेवलप फिजियोलॉजी करेगा तो पता चलेगा टू स्टडी द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जीन्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहा है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स मान लो कुछ काओ की मिल्क की प्रोडक्शन की पावर बढ़ गई तो आपको पता चल जाएगा कि जो फॉरेन जीन मैंने काओ में डाला है ना उसने उस काओ की मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी को बढ़ा दिया वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग टॉक्सिसिटी टेस्टिंग देखो इससे क्या है आपको ऑर्गेनिज्म की इम्यूनिटी का भी पता चल रहा है सपोज करो आपकी गाय बहुत बीमार पड़ती थी आए दिन बीमार पड़ जाती है लेकिन जब से हम लोगों ने उसमें फॉरेन जीन डाला है उसकी जो रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई है स्टूडेंट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है नाउ बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स किस किस तरीके से होगा ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यही टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट ट्रांसजेनिक एनिमल आर यूज टू स्टडी जीन रेगुलेशन एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल बॉडी फंक्शन एंड डेवलपमेंट देखो ले देकर क्या है जैसे ये काउ है काउ क्या करती है हम लोग स्ट्रैटेजीज में पढ़ेंगे काओ आपको मिल्क देती है ठीक है आपको उसको चारा देना पड़ेगा ये सारी चीजें अब आप अपनी काउ की मिल्क देने की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हो आप चाहते हो कि वो बारह महीने दूध दे तो आप क्या कर रहे हो फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस कर रहे हो देखो जीन्स फ्रॉम अदर स्पीशीज अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर आर इंट्रोड्यूस्ड एंड द बायोलॉजिकल इफेक्ट्स आर स्टडीड नाउ टू स्टडी द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जीन इन डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज ट्रांसजेनिक मॉडल हेल्प टू इन्वेस्टिगेट न्यू ट्रीटमेंट फॉर ह्यूमन डिजीजेस आप दिन ब दिन आज की तारीख में दुनिया की ऐसी कोई सी डिजीज नहीं है जिसका इलाज हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं इट इज ऑल ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी देखो कैंसर का इलाज हम लोग ढूंढ रहे हैं अच्छा वाला सिस्टिक फाइब्रोसिस र्यूमेटॉइड आर्थराइटिज एंड अल्जाइमर डिजीज अल्जाइमर डिजीज क्या होती है मेमोरी लॉस होने लग जाती है आदमी की खत्म हो रही है मेमोरी उसने खाना खाया दो घंटे बाद उसको याद ही नहीं रहा कि मैंने खाना खाया बेटा बेटी को पहचान नहीं पा रहे हैं बोल रहे अरे मैं कहाँ रहता हूं कुछ याद नहीं है सड़कों का रास्ता याद नहीं है अल्जाइमर डिजीज क्या हो रहा है स्टूडेंट्स अल्जाइमर डिजीज इज इट क्लियर नाउ बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स देखो आपको क्या है बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं इसमें आप इस चैप्टर में सिर्फ मेन मेन चीजें याद रखो और कुछ भी नहीं आता खास खास ह्यूमन प्रोटीन एल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन एक प्रोटीन है पैंक्रियाटिक जूस का एक प्रोटीन है ट्रिप्सिन जिसका इनएक्टिव फॉर्म क्या है ट्रिप्सिनोजिन ट्रिप्सिन यूज टू ट्रीट एम फाइसीमा क्या होता है जो लोग सिगरेट स्मोकर्स होते हैं चेन स्मोकर गजब के सिगरेट पीते हैं <coughs> वो लोग क्या करते हैं कार्बन पार्टिकल्स को न्योता देते आओ मेरी एल्वियोलाई में जमा हो जाओ और धीरे धीरे मुझे सांस लेने की कैपेसिटी को डिक्रीज कर दो फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फिनाल क्यूटोन्यूरिया एनसिस्टिक फाइब्रोसिस अब 1997 में <coughs> एक मिनट <मिड़ी> स्टूडेंट <coughs> 1997 में पहली ट्रांसजेनिक काउ को बनाया फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करके उसका नाम था रोजी सच ए ब्यूटिफुल नेम ना रोजी प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन अब देखो क्या हुआ जैसे ही ट्रांसजेनिक पहली ट्रांसजेनिक काउ बनी उसका नाम है रोजी उसने भाई भर भर के मिल्क दे दिया इतना टन मिल्क दे दिया इट कंटेन ह्यूमन ए लेक्टेलुबिन इट इज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज एक्चुअली क्या है जो रोजी नाम की ट्रांसजेनिक काउ थी उसने इतना अच्छा मिल्क दिया उसके अंदर इतना न्यूट्रिशन था कि वो छोटे बच्चों को भी दिया गया कि आप इन्हें दीजिए बच्चों को प्रोटीन बच्चों को क्यों दूध पिलाया जाता है हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम के लिए आपको भी आपकी मम्मी बोलती हो बेटा दोनों टाइम दूध पिया कर मैं भी कह रही हूँ आप लोग दो टाइम दूध पिया करो सुबह एक ग्लास और रात में एक ग्लास ठीक है नाउ देखो इस बच्ची को वैक्सीन पिलाई जा रही है दो गुण जिंदगी की ठीक है नाउ ट्रांसजेनिक माउस बेचारे चूहों को नहीं छोड़ा हम लोगों ने आर यूज टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन

<coughs> बेटा बोन मैरो की लोकेशन आपके बोन में होती है ना ये आपका बोन मैरो बोन का मैरो वाला पार्ट है ना ये बोन मेरो. देखो जो पोलियो वैक्सीन है उसको क्यों हम लोग ओरल से ही देते हैं कोई बता सकता है हुँ? बेटा पानी में लेके आना भूल गई हूं मुझे किचन में जाके पानी पी के आना, के पीके आना है कोई दिक्कत नहीं है, है ना देखो जो वैक्सीन हम लोग इंट्रावेनस देते हैं वो डायरेक्ट ब्लड में चली जाती है मतलब अगर उस वैक्सीन को मैंने मुंह से दिया तो वो किस में जाएगी डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है इंजाइम्स है इंजाइम्स उसको मार देंगे आई मेरी बात समझ में भाई इंजेक्शन से आपको डर लग सकता है चुभ सकता है लेकिन ड्रॉप में क्या मुंह में डाला हो गया हाँ मैं तो आज भी बोलियो तो बा वैक्सीन ठीक है तो पोलियो की वैक्सीन के अंदर जो प्रोटीन है जो इंजाइम्स हैं वो आपके डाइजेस्टिव इंजाइम से नहीं मर सकते हैं इसलिए इनको क्या देते हैं ओरली देते हैं ठीक है और बहुत सारी वैक्सीन है जो इंट्रावीनस देते हैं इंजेक्शन से ठीक है क्योंकि अगर उनको ओरली दिया तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम के इंजाइम से वो क्या करेंगे उसको किल कर देंगे ठीक है तो जो भी वैक्सीन है उनको सबसे पहले मंकीस पर माउस पर टेस्ट कराया जाता है उसके बाद उसे मार्केट में रिलीज किया जाता है भाई जान तो इनकी भी कीमत ये देखो इसने चूहे को पकड़ लिया है और इंजेक्शन दे रहा है टेस्ट करने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी जीन्स विच मेक देम मोर सेंसिटिव टू तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस They are export. दे आर एक्सपोर ले देखे का मतलब है यही लाइन लिखी हुई है कि किसी भी वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए आप उसको एनिमल में क्या करोगे इंजेक्ट कर दोगे नाउ वॉट डू यू मीन बाय एथिकल इशूज हम बोलते हैं ना बी इन योर एथिक्स थोड़ा लिहाज से बात करो बदतमीशी मत करो आपके घर में कोई आया आपने बोला वाह यार बच्चे के क्या एथिक्स हैं बच्चे के क्या एथिक्स हैं नाउ एथिकल इश्यूज का मतलब क्या होता है कि आप ये जो भी बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हो जो भी बायोटेक्नोलॉजी आप कर रहे हो इससे आपके इकोसिस्टम को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए जो भी बायोटेक्नोलॉजी में आप कर रहे हो आप ये बनाना चाहते हो वो बनाना चाहते हो फलाना बनाना चाहते हो ढिमका बनाना चाहते हो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो लेकिन एक्सपेरिमेंट करने का ये मतलब नहीं है कि चूहे मरते जा रहे हैं और आप इकोसिस्टम को बिगाड़ते जा रहे हो आपको नेचर का भी ध्यान रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स इंडियन गवर्नमेंट हेड सेटअप ऑर्गेनाइजेशन ये नीट में पूछते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी मैंने क्या बोला जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी विच मेक डिसीजंस अबाउट द वैलिडिटी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज सपोज करो आपने किसी वैक्सीन को बिना टेस्ट करे ह्यूमन में डाल दिया और ह्यूमन मर गया देखो जान की कीमत तो सबकी है लेकिन ह्यूमंस पावरफुल है सो दे आर यूटिलाइजिंग एनिमल्स वो लोग यूज कर रहे हैं एनिमल्स को इज इट क्लियर स्टूडेंट्स तो कितने एनिमल्स को यूज करना है कितने तरीकों से यूज करना है ये चीज जरूरी है मुझे लगता है ये चैप्टर हो जाएगा थोड़ी देर में नाउ देखो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये सारे आपके ये धीरे ये बताए गए हैं कि भाई ये ट्रांसजेनिकली भी बन सकते हैं सर्टेन कंपनीज हैव गॉट पेटेंट फॉर प्रोडक्ट्स विच मेक यूज ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्लांट्स आइडेंटिफाइड यूज बाय फार्मर लेने का क्या मतलब है कि जब भी कोई कंपनी बायोटेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व होती है उसके बाद लाइसेंस होना चाहिए उसके बाद प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए कि यार अगर तुम कुछ भी ट्रांसजेनिक बना रहे हो तो मजाक थोड़ी है तुमने किसी की बॉडी में से जीन निकाला उसको काटा दूसरे की बॉडी में दिस इज नॉट अ मजाक दिस इज दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग यू शुड बी वेरी मच प्रिसाइज प्रोडक्ट स्टेरिलाइज होना चाहिए प्रॉपर पैक होना चाहिए उसकी प्रॉपर डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस ऐसे नहीं बनाया और ये हाथ में दे दिया ये ले इंसुलिन खा ले इंसुलिन को हम फ्रिज में रखते हैं प्रिजर्व करते हैं ऐसा नहीं कहीं पर भी पटक देते हैं बासमती राइस हर्बल मेडिसिन टर्मरिक नीम प्रॉब्लम्स ऑफ पेटेंट प्रॉब्लम्स ऑफ पेटेंट का मतलब क्या होता है देखो बासमती राइस है यूनिक यूनिक एंड फ्लेवर हम लोग है ना पुलाव खाते हैं राइस खाते हैं बड़ी बड़ी कड़ी कर, वाले उनका अपना शेप होता है साइज़ होता है उनका अपनी खुशबू होती है एरोमा होता है फ्लेवर होता है हमारे पास इंडिया में 27 वैरायटी हैं बासमती की राइस एक अपने में जीनस स्पीशीज है एक साइंटिफिक नेम है लेकिन जब स्पीशीज के अंदर भी हम लोग और चीज़ें डालते हैं तो हम वैरायटी बोलते हैं ठीक मतलब है इन 1997 एन अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट्स ऑन बासमती राइस थ्रू द यूएस पेटेंट पेटेंट मतलब रूल है पेटेंट मतलब आपको परमिशन दे दी है कि आप बायोटेक्नोलॉजी को प्रोसीड करके ट्रांसजेनिक बासमती राइस को बना सकते हैं ठीक है <coughs> तो इट अलाउड द कंपनी टू सेल अ न्यू अराइटी ऑफ बासमती इट वॉज एक्चुअली डिराइव फ्रॉम इंडियन फाइबर फार्मर इंडियन बासमती वाज क्रॉस्ड विद सेमी द्वार वैरायटी एंड क्लेम्ड एज नोवेलिटी इज इट क्लियर अब देखो लेते के मतलब क्या है जैसे मैंने कोई बायोटेक्नोलॉजी की कंपनी खोली मैंने बासमती राइस बनाया मैं मार्केट में बेच रही हूं मैंने अपना एक ट्रेडमार्क लगा दिया किसी ने मेरा ट्रेडमार्क चुरा लिया और उसको डुप्लीकेट बेच रहा है मतलब फूड इंस्पेक्टर का काम है देखने का तो ट्रांसजेनिक एनिमल बनाना ट्रांसजेनिक प्लांट बनाना प्रोडक्ट बनाना इट इज इज़ी फिर भी लेकिन उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को ध्यान रखना इट इज वेरी वेरी असेंशियल बायोपेरेसी बायो बोलते वो ना कि सीडी की पायरेसी कर दी डुप्लीकेट सीडी बना ली डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर बनना चाहिए यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज फॉर मल्टीनेशनल कंपनी मोस्ट ऑफ़ द नेशन आर पुअर इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप वर्ल्ड हैवरिच बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज जब भी आप कोई ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए एनिमल बनाए हर चीज की नॉलेज को ध्यान में रखकर बनाए ठीक है देखो हमारे जो इंडियन पार्लियामेंट है उन्होंने इंडियन पेटेंट बिल को निकाला ठीक है कि जब भी आप बायोटेक्नोलॉजी में ट्रांसजेनिक एनिमल को बनाओगे तो आपकी इंडस्ट्री के पास लाइसेंस होना चाहिए आपके लोग पढ़े लिखे होने चाहिए रिसर्चर्स होने चाहिए उनको नॉलेज होनी चाहिए एक एक लेबोरेटरी टेस्टिंग को आप बताओगे कि अगर आपने माउस में वैक्सीन को टेस्ट किया है वो सक्सेसफुल हुआ है तो यू शुड आंसर द क्वेश्चन क्या डाला ऐसा कि सक्सेसफुल हुआ है ज़रूरी थोड़ी है कि जो वैक्सीन माउस में सक्सेसफुल हुआ है वो ह्यूमन बीइंग्स में भी सक्सेसफुल हो अरे वाह चैप्टर खत्म भी हो गया कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स सो बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट खत्म हो चुकी है इकोलॉजी यूनिट वी हैव डन बायोटेक्नोलॉजी यूनिट वी हैव डन अब हमें क्या करना है अब हमें इसके क्वेश्चन को करने हैं हमें क्या है पूरी यूनिट के क्वेश्चन को करने हैं इकोलॉजी का तो मैंने मैराथन ही ले लिया था मेंटी नहीं लिया था तो इसके हम लोग अब मेंटी क्विज खेलेंगे ठीक है और इसके बाद जो चैप्टर में स्टार्ट करवाऊंगी या तो मैं रिप्रोडक्शन वाली यूनिट को स्टार्ट करवाऊंगी या फिर मैं जेनेटिक्स के यूनिट को स्टार्ट कराऊंगी पर हम लोग यूनिट वाइज चीज़ें खत्म करेंगे ठीक है अब अगेन कहूंगी स्टूडेंट्स बेस्ट टाइम है सब्सक्रिप्शन लेने का साल भर मेरे साथ जुड़ने का तैयारी करने का पसंद करते हैं तो जरूर नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन लीजिए एक साल या दो साल का कोड को डाल दीजिएगा एम बी टेन आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा अब मैं कल एक वीडियो डालूंगी कि फाइनल स्ट्रैटेजी फॉर नीट ट्वेंटी उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगी कि आपको किस तरीके से अब स्मार्ट स्टडी करनी है हम लोग किस तरीके से शेड्यूल बनाएंगे और दो दिन बाद में दूंगी स्ट्रेटजी uh, फॉर 2021 और 2022 क्योंकि देखो बच्चे तो आप दोनों ही मेरे हो दोनों ही बच्चे मेरे लिए बराबर हैं साल के तो दोनों के लिए मैं स्ट्रैटेजी दे दूंगी जिसको देखो देखना दोनों स्ट्रैटेजी Uh, कल आ जाएगी ट्वेंटी ट्वेंटी की तो टेलीग्राम पे डाल दूंगी या तो अब देखो आज भी रात में तो की बनना पॉसिबल है नहीं तो सुबह डाल दूंगी तो कल कितने बजे होगी प्लीज टेलीग्राम पे जुड़े रहें टेलीग्राम लिंक ये रहा ठीक है या फिर टेलीग्राम पे जाके मीतू भावनानी से ज्वाइन कर लीजिए ठीक है क्योंकि अब हम लोग जो क्वेश्चन है वो यूट्यूब के अलावा स्पेशल क्लासेस में भी करेंगे स्पेशल क्लास में एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दूंगी तो वो परसों से स्टार्ट होगी या कल से भी हो सकती है तो वो एक बार में पूरा आपको स्ट्रेटेजी वाला वीडियो बता दूंगी या तो स्ट्रैटेजी वाला वीडियो सुबह दे देंगे बारह एक बजे या शाम को पांच से छ का टाइम रख लेंगे या फिर दस बजे का वैसे मेरा मोस्टली यही है कि मैं आपको सुबह ही वो स्ट्रेटेजी वाला वीडियो दे दूं जिससे कि आपके पास पूरा दिन रहेगा उस स्ट्रेटेजी को समझने और फॉलो करने के लिए दस बजे में भी लेट हो जाए आई मेरी बात समझ में स्टूडेंट्स इज इट क्लियर स्टूडेंट्स तो टेलीग्राम पे जुड़े रहिए कल स्ट्रेटेजी वाला वीडियो डाल दूंगी या तो दिन में ले लेंगे जैसे एक दो बजे ले लिया या मतलब प... मुश्किल से मैं आपके 20-25 मिनट लूंगी यह बताने के लिए कि अब फाइनल स्ट्रेटेजी नीट 2020 के लिए क्या होनी चाहिए और दो दिन बाद मतलब अगर कल ट्यूसडे है तो वेनजे और थर्सडे थर्सडे को फिर नीट 2021 और 2022 के लिए इज इट क्लियर अभी भी कह रही हूं इनरोल कर लो सब्सक्रिप्शन ले लो नीट यूजी का कोड डाल देना एमबी टेलीग्राम पे मीतू भावनानी से सर्च कर लेना एंड दिस इज द लिंक फॉर टेलीग्राम कौन सी क्लास कितने बजे आती है मैं रात में सोने से पहले डाल देती हूं इसलिए आप अगर जल्दी सोते हैं तो सुबह जल्दी उठ के टेलीग्राम देखिए और देर से सोते हैं तो देर से देखिए टेलीग्राम पे पूरा का पूरा डाल देती हूँ साथ ही साथ में मैं उसका लिंक भी शेयर कर देती हूं इज इट क्लियर स्टूडेंट्स चलिए बाय बाय गुड नाइट कल